मैच को जल्दी शुरू करें। यहाँ पर लाड़ौली की ओर से सलामी के गेंदबाज वलीद और सलामी के बल्लेबाज करंस कोल की ओर से राहुल और विनोद। राहुल काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, हरफन मौला खिलाड़ी है राहुल भी, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छे विकेट कीपिंग करते हैं, एक अच्छे खिलाड़ी राहुल और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। विनोद भी अभी फॉर्म में चल रहे फुल, विनोद विशाल काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। पहली ओवर लेकर वलीद, वलीद यहां पर राहुल के लिए फील्ड सजाते हुए, दोनों गांव नज़दीक है, उन्हें पता है किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं। इस बीच ये गेंद उठा के खेला है, सही बल्ले पर नहीं आई थी, गेंद फाइन लेग बाउंड्री की ओर जाती हुई चार रन के लिए। या लाइनमैन बॉल लेके आए, फील्डर यहाँ पर आ जाए। आपको ऑफ स्टंप की जानिब शफल किया था और गेंद को फाइन लेग बाउंड्री की ओर खेला चार रन के लिए। इसके साथ राहुल ने अपना खाता खोला, अपने टीम का खाता खोला। यहां पर जो कि सर्कल के बाहर फील्डर लगाए, एक लॉन्ग ऑन की जानिब, एक मिड विकेट और स्क्वायर लेग की जानिब, यह गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल के गई। जोरदार प्रहार करना चाहते थे, पॉइंट और कवर के बीच में से खेलना चाहते थे, नाकाम रहे, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर अभी भी थमा हुआ चार रन, जबकि पहली ओवर जारी। पावर प्ले की ओवर में जोरदार प्रहार करना चाहते, बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहते थे, लेकिन काफ़ी अच्छी गेंद वलीद की। इस बीच गेंद शॉर्ट गेंद, फिर एक बार जोरदार प्रहार करना चाहते हैं, गेंद को फिर एक बार फाइन लेग की जानिब खेलना चाहते थे। जिस तरह से पहली गेंद पर अपने आप को शफल किया था ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ, इसी तरह से शफल होकर खेलना चाहते थे और गेंद को फाइन लेग की जानिब खेलना चाहते थे, नाकाम रहे, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद पर ज़रूर बाउंड्री लगी थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छी वापसी की है यहाँ पर लाड़ौली के गेंदबाज वलीद ने अपने ओवर में। चौथी मरतबा फिर एक बार काफ़ी अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद थी। जिस तरह से कोंडालकर सर ने बताया था कि यहाँ पर जितने मैचेस हमने देखे उसमें सबसे अच्छी गेंदबाजी लाड़ौली की ओर से, और वलीद उसका नमूना पेश करते हुए काफ़ी अच्छी गेंदबाजी वलीद की। ये गेंद टप्पा खाने के बाद नीची रहती हुई थी, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। अगर वलीद राहुल का विकेट लेते हैं तो गफ्फार जनाब की ओर से उन्हें 100 रुपये का इनाम यहाँ पर दिया जाएगा। वलीद तीन गेंदें डॉट कराई, राहुल को डॉट कराना यानी बड़ी बात है, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है राहुल। इस बीच गेंद फिर एक बार, चौथी गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की तरफ निकल के गई थी। काफ़ी गेंदों को घुमा रहे हैं यहाँ पर, राहुल समझ नहीं पा रहे, लेकिन अंपायर ने अपने बाजुओं को खोलकर वाइट का इशारा दिया। अतिरिक्त से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 5 रन, जबकि पहली ओवर जारी। पांचवी गेंद लेकर फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। इस बार ओवर पिच लाइन की गेंद उठा के खेला, कैच होने का खतरा, खिलाड़ी उसके नीचे दे और आसान सा कैच छोड़ दिया। यहाँ पर राहुल जैसे खिलाड़ी का कैच छोड़ना, यहाँ पर फरहान ने इजी, यहाँ पे बहुत आसान सा कैच छोड़ा था। काफी महंगा साबित हो सकता है यहाँ पर, काफी अच्छी गेंदबाजी वलीद की ओर से। एक बड़ा झटका लग सकता था राहुल के रूप में, लेकिन आसान सा कैच छोड़ा यहाँ पर फरहान ने अपने। और मैं आखिरी मरतबा, पहली मरतबा सामना करेंगे विनोद, शॉर्ट गेंद फाइन लेग की जानिब खेला है चार रन के लिए, काफी खराब गेंद थी, उसको सही नसीहत दी। एक ओवर के इख्तिताम पर स्कोर जा पहुंचा 9 रन बगैर कोई नुकसान के। एक ओवर के इख्तिताम पर 10 रन, काफी अच्छी गेंदबाजी, पावर प्ले के ओवर में 10 रन खर्च किए, दो चौके लगे थे, दो बाउंड्रीज लगी थी,
फाइनलिक की ओर, लेकिन काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, काफ़ी परेशान किया राहुल को, काफ़ी दबाव में थे राहुल, और पांचवी गेंद पर कैच हो सकता था राहुल का, लेकिन आसान सा कैच गवाया यहां पर फारहान ने। इस बीच यहां पर फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए एक फील्डर को तैनात किया है लॉन्ग ऑफ की जानिब, एक लॉन्ग ऑन की जानिब, एक मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग। और फाइनल लेग की जानिब यहां पर एक दो फील्डर को तैनात किया है। इस बीच ये गेंद, पहली गेंद काफी अच्छी गेंद, टपक आने के बाद तेजी के साथ निकलती हुई, वाइट की दाद मांग रहे थे स्टंप के ऊपर से, अंपायर का कहना है कि गेंद गई थी, काफ़ी ऑफ स्टंप से बाहर गए थे, काफ़ी परेशान है यहाँ पर राहुल। पांच गेंदे खेली है, पांच रन बनाए, जबकि राहुल अगर पांच छह गेंदे खेलते तो एक दो सिक्सर लगाते, इस तरह के बल्लेबाज है, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते, लेकिन यहाँ पर बांध के रखा है लाडौली के गेंदबाजों ने। इस बीच और पिच लाइन की गेंद थी, जोरदार प्रहार किया है छः रन के लिए, और पिच लाइन की गेंद थी। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से छह रन के लिए, छह रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 16 रन। इस बीच ये गेंद काफी अच्छी गेंद, ब्लॉकल में गेंद थी, काफी ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ निकल रहे राहुल। ये गेंद काफ़ी अच्छी गेंद थी, कोई मौका नहीं था इस पे, काफ़ी खूबसूरत अंदाज से फेंकी थी। गेंदबाज का नाम फैज, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी फैज। राइट आर्म ओवर द विकेट से दौड़ना शुरू किया, फिर एक बार गेंद की, फिर एक बार शॉट गेंद थी, लेग स्टंप से काफ़ी बाहर थी, अंपायर ने वाइट करार दिया। इस अतिरिक्त से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुँचा 17 रन। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हुई अभी तक लाडौली की ओर से, लेकिन महदूद ओवर के क्रिकेट में सबसे खराब गेंदे वाइड और नो गेंदे रहती है, वो सबसे खराब गेंदे रहती है। और यहाँ पर 9 गेंदों में 2 गेंदे एक्स्ट्राज के रूप में फेंकी है, 2 रन दिए। यहाँ पर 4 ओवर के मैच में काफी महत्वपूर्ण रहती है। और पिछले लाइन की गेंद, नहीं बख्शेंगे इसको राहुल, 6 रन के लिए, 6 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 23 रन। महंगे साबित होती हुई ये कैच जो छोड़ा था वो लाडौली के लिए अपने ओवर में अगली मरतबा। फिर एक बार शॉर्ट लाइन की गेंद थी, काफी खूबसूरत अंदाज से खेला इस बार, काफी खूबसूरत अंदाज से खेला था। गेंद फाइनल लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए, 6 रन। आखिरी गेंद फैज इस ओवर में महंगे साबित होते हुए 19 रन खर्च किए, आखिरी गेंद लेकर फैज ने दौड़ना शुरू किया, विकेटो को पार किया, गेंद की शॉर्ट लेंथ की गेंद की, कैच होने का खतरा यहां जाकिर उसके नीचे, लेकिन नहीं, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग जाकिर की ओर से, 1 ही रन मिला इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 30 रन। 2 ओवर के इख्तिताम पर 30 रन बगैर कोई नुकसान के। पहली ओवर में वलीद के कैच छूटा था राहुल का, और वो महंगा साबित होता हुआ, मैंने पहले ही कहा था कि राहुल ने पहली ओवर में 3 गेंदें डॉट कराई थी, लेकिन अगर वो चल गए तो अगली तीन ओवर में 60-65 का भी हदफ खड़ा कर सकते हैं। और दूसरी ओवर में ही उन्होंने 3 सिक्सर लगाकर अपने इरादों को जाहिर किया। 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। अब तीसरी ओवर लेकर वलीद राइट टर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे राहुल के लिए, दौड़ना शुरू किया, विकेटों को पार किया, गेंद की काफ़ी अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद काफ़ी बाहर की तरफ जाती हुई, अंपायर ने फिर एक बार अपने बाजुओं को खोलकर वाइट का इशारा दिया। इस एक्स्ट्रा से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुँचा 31 रन।
काफी दिलचस्प मुकाबला देखने मिलेगा तमाशाइयों को, और इसमें से जो टीम खेलेगी वो क्वार्टर फाइनल में तुड़ील ए के साथ खेलेगी। इस बीच ये गेंद, काफी अच्छी गेंद, काफी खूबसूरत अंदाज से गेंद की थी। तरीन गेंदबाजी की है अभी तक वलीद ने, 7 गेंदों में 11 रन खर्च किए हैं। इस बीच अपने ओर की अगली गेंद लेकर फिर एक बार काफी अच्छी गेंद, ब्लॉक हॉल में गेंद थी, खूबसूरत अंदाज से खेला जब तक लॉन्ग ऑन के फील्डर फील्ड कर लेते। 1 रन मिला, इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 32 रन। थोड़े से इंजर्ड मालूम होते हुए वलीद, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से गेंदबाजी की है, काफी खूबसूरत गेंदे कराई है यहाँ पर करंस कोल के सामने। अपने और की अगली गेंद लेकर वलीद गेंद करेंगे विनोद के लिए, फिर एक बार शॉर्ट लाइन की गेंद थी, काफी खराब गेंद, उसको सही नसीहत दी विनोद ने। 2 गेंदे खेली, पहली गेंद पर बाउंड्री ली थी और उसके बाद अड़तीस रन, 8 रन आले, एक वाइड, एक सिंगल आणि एक षटकार, 2 ओव्हरला 30 होते। दो ओवर के इख्तिताम पर 30 रन थे और इस ओवर में 8 रन निकले। अपने ओवर में चौथी मरतबा गेंद करेंगे वलीद, अब महंगे साबित होते हुए। इस बीच गेंद, फिर एक बार शॉर्ट गेंद थी, काफी अच्छी गेंद। एक्स्ट्राज के रूप में काफी गेंदे फेंकी हैं यहां पर लाडौली के गेंदबाजों ने। फिर एक बार ये शॉर्ट गेंद, काफी लंबा सिक्सर यहां पर विनोद के बल्ले से निकलता हुआ, स्कोर जा पहुंचा 45 रन। चार गेंदे हुए, अपने ओवर में पांचवी मरतबा गेंद करेंगे। इस बार लोअर फुल टॉस थी, वहां पर फील्डर को तैनात किया था, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 46 बगैर कोई नुकसान के, जबकि तीसरी ओवर जारी। आखिरी गेंद ना बाकी लाडौली की ओर से, इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर वलीद गेंद करेंगे राहुल के लिए। फुल टॉस लाइन की गेंद थी, जोरदार प्रहार करना चाहते थे, नाकाम रहे, सही नसीहत नहीं दे सके। 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए भागे, रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन खराब थ्रो यहां पर जाकिर की ओर से, 2 रन चुराए, 2 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 48 रन। तीन ओवर के इख्तिताम पर 48 रन बगैर कोई नुकसान के। आगे कमेंट्री का हाल सुनाएंगे एमजे। थैंक यू साकिब।
गोलंदाज सज्ज होते, गोलंदाजी करण्यासाठी काय फलंदाजी करतात इथे ते विनोद आणि राहुल कांबळे आपले दमदार फलंदाजी जोर आपल्या संघाला एक मोठ्या आव्हानाकडे नेताना दिसत आहे. जबरदस्त खेळ चालू आहे तुळीच्या ऐतिहासिक मैदानावर. या सर्प बक्षीस आहे 11,111 आणि आकर्षक ट्रॉफी आणि चौथा प्राइज आहे 11,111 व आकर्षक चषक. तर मॅन ऑफ द मॅच प्रत्येक सामन्याला मॅन ऑफ द मॅच आहे सामनावीर. यावेळी मात्र फटका मारतो अतिशय सुंदर असा फटका आहे त्याच्याकडे क्षेत्रक दादा काय झेल टिपला आपला तुम्ही झेल. नक्कीच या खेळाडूचं कौतुक केलं पाहिजे. जबरदस्त खेळ चालू आहे. चेंडू एकदम स्वेअर होता पण त्याला अतिशय सुरेख असा फटका राहुल कांबळेने. राहुल नावाचा एक मोठा खेळाडू आक्रमक खेळी खेळून आपल्या संघासाठी बहुमूल्य 27 धावा त्यानंतर गजर राहुलसाठी झालंच पाहिजे. जबरदस्त अशी फलंदाजी 27 धावा पटकावले तर राहुल कांबळेने. राहुल कांबळे टेनिस क्रिकेटमध्ये एक मोठा नाव करंज गोलच्या संघातून खेळताना आपल्या संघाला एक आपल्या चांगल्या खेळाच्या जोरावर आपल्या संघाला या सामन्यामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने परत आणण्याचं काम केलं तर राहुलने. यावेळी चेंडू पाय आदलतोय. एक धाव मिळणार आहे लेग बायच्या रूपात. एक धाव मिळणार एक धाव संख्येत वाढवतोय. धाव संख्या होती ती 50. नाणेफिकीचा कौल लाडवळीच्या बाजूने नंतर प्रथम फलंदाजी करताना अतिशय सुरेख फलंदाजी दमदार तुफानी फलंदाजी. यावेळी मात्र जबरदस्त असा जबरदस्त सिक्सर मिड विकेटच्या क्षेत्रच्या डोक्यावरून एक सुंदर फटका येतोय आणि 7 धावाने नव्याने संघ लाडवली. पण नाव लाडवलीमध्ये चांगले खेळाडू आहेत. प्रेक्षकाला एक चांगला खेळ पाहायला मिळेल. नक्कीच हाही सामना रंगतदार होईल याची अपेक्षाही प्रेक्षक वर्ग बाळगून आहे. यावेळी मात्र दर्पण आलेला आहे दिशाहीन गोलंदाजी. एक धाव मिळणार आहे. एक धाव संख्या वाढतोय. धाव संख्या होतोय ती 57. पुन्हा एकदा सज्ज होते गोलंदाज डमरींकडून गोलंदाजी करणे. यावेळी शॉर्टपिच पर्यंत उंच असा फटका मारतोय. चेंडू चढल जातोय. ला उंच असा षटकार अतिशय सुरेख फटकेबाजी दमदार फलंदाजीच्या जोरावर करण गोलच्या फलंदाजांचं वादळ सुरू आहे या मैदानावर आणि जिद्दीने खेळतात. नाव पुन्हा एकदा उंचावताना दिसत आहे. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा फिरून मारण्याचा प्रयत्न पण यावेळी असफल राहतोय. एकच धाव मिळणार आहे. एक धाव संख्येत वाढवते. धाव संख्या होती ती 64. चार षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या ती 64. पण नाणेफेकीचा कौल लाडवळीच्या बाजूने लागल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना चार षटकाच्या समाप्तीनंतर 64 धावा फटकावल्या आहे. 65 धावांची गरज. टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करंज गोल ने की और 64 रन बनाए. 65 रन का हदफ रखा है.
यहाँ से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो मुकाबला होगा बड़ा मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जो टीम इसमें से जीतेगी वो तुड़ील के साथ क्वार्टर फाइनल में खेलेगी और उसके बाद सेमीफाइनल में किन्लोल अल्पता किन्लोल के सामने। तो मुकाबले की शुरुआत यहाँ पर इस बीच बहुत ही बेहतरीन और यहाँ पर ऊंचा सिक्सर फैजुल्ला के बल्ले से निकलता हुआ, यहाँ पर शाइकी ने तुड़ील ने तालियां बजाकर उनके शॉट की तारीफ की। पहली गेंद पर सिक्सर लगाया और यकीनन इस सिक्सर के साथ अब कुछ उम्मीदें बनती हुई लाडवली के खेमे में, लाडवली के खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरते हुए और उसका काम एक खिलाड़ी करता हुआ। इस बीच ऊंचा खेले हैं क्या जोने का खतरा, उसके नीचे तीन तीन खिलाड़ी और बड़ी मछली जाल में फंसती हुई फैजुल्ला इस वक्त बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगा, शॉट तो जोरदार लगाना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगती हुई ऊंची गई और अच्छी फील्डिंग। करण कोल जो कि प्रोफेशनल प्लेयर्स है, उनके अंदर प्रोफेशनल की तरह खेलती है, फील्ड चाहे शोभा फील्डिंग का हो, गेंदबाजी का हो या बल्लेबाजी का हो, हर इसमें मुकाबले की टीम को मात देने की कोशिश करते हैं। करण कोल एक बड़ा नाम लेकिन उभरते हुए खिलाड़ी लाडवली के उमेर उनके सामने, गेंदबाज करण कोल की गेंदबाज के सामने उमेर, इससे पहले जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी बदकिस्मती से वो रनआउट हुए थे, वही उमेर अगर उनकी बल्लेबाजी चल जाए तो यकीनन लाडवली की टीम के लिए कारामद साबित हो सकती है। इस बीच ऊंचा खेले हैं और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई, हवाई जहाज का सफर 6 रन। स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ, स्कोर पहुंचा 12 रन, पहला ओवर जारी, अब जीतने के लिए 53 रन की जरूरत। इस बीच अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद, रफ्तार से चकमा दिया बल्लेबाज को, गेंद नीचे भी रही, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक, यही क्रिकेट है। देखिए किस तरह से करण कोल के खिलाड़ी, सिक्सर जरूर लगा था लेकिन अपना हौसला पस्त नहीं होने दिया और इसके बाद की गेंद बहुत ही अच्छी गेंद। यहां पर बुजुर्ग हस्तियां आई है, तनवीर देशमुख भी आ रहे हैं, शकील सर आए हैं, इब्राहिम चाचा मामू और यहाँ पर इस बीच बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत कैच, यकीनन देखिए किस तरह खिला दिलीप, दिलीप अतिशय सुंदर असा झेल पकडला मिलिंद याने, अतिशय सुरेख झेल टिपला, त्याला आसिफ देशमुख आणि इस्माईल देशमुख यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक। पुन्हा एकदा सज्ज होते यावकर पद्धतीचा चेंडू, खोला चेंडू यावेळी मात्र चेंडू होता, त्याला तटून करायला तो पॉइंटच्या दिशेने एकच धाव मिळणार, एक धाव संख्येचा समाधान मानावं लागेल, एक धाव संख्या, धाव संख्या वाटतोय, धाव संख्या होती ती 13, आता 18 चेंडू आणि 52 धावांची गरज, सामन्याचं समीकरण 18 चेंडू 52 धावा, एक षटकाच्या समीपर्यंत धाव संख्या आहे ती 2-13। आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ वन ओव्हर 13-2, नाउ दे रिक्वायर्ड 52 रन्स इन 18 बॉल। नामदेव नागते यांचं आगमन झालं आहे, मी सरपंच आयोजकाकडून त्यांचं हार्दिक स्वागत।
पहले बल्लेबाजी करते हुए 64 रन बनाए थे। करंट गोल की टीम ने 65 रन का हदफ रखा, जिसका पीछा करते हुए पहले ओवर में दो खिलाड़ियों के आउट होने पर 13 रन बनाए हैं। लाडवाली की टीम इस वक्त मुश्किलात में जरूर है, लेकिन उनके पास हौसला है, हिम्मत है वापसी करने का। देखना है, यकीनन ये मैच दिलचस्प होगा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा। यकीनन ये खिलाड़ी अपने आप पर अगर भरोसा रखेंगे, भरोसा जताएंगे, एतिमाद से खेलेंगे तो इस मैच में वापसी कर सकते हैं। वक्त दायन अगर अंपायर धोनी पंतने याची दक्षता घ्यावी, वेल वाय घालू नये। आपल्याकडे वेल कमी आहे। स्पर्धेचा दुसरा दिवस सरपंच चषक पहिला दिवस यशस्वीते पार पडल्यानंतर दुसऱ्या दिवसाचा अंतिम टप्प्यात ही स्पर्धा प्रवेश करताना आपण पाहत आहे। एक सुंदरसं मैदान उपलब्ध करून दिलं आहे या सरपंच चषकाच्या निमित्ताने। पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होते, यावेळी मात्र शॉटपीपर चेंडू अतिशय सुरेखाचा फटका आणि चेंडू सरळ जातोय तो सीमारेषेच्या बाहेर, कणकणीत असा चौकार आणि या चौकाने धावसंख्येतही वाढ होते, धावसंख्येत 17। सतरा चेंडू 48 धावा। सामन्याचं समीकरण प्रत्येक चेंडूवर बदलताना आपण पाहत आहेत। प्रेक्षकांनी खूप गर्दी केली आहे। प्रेक्षक वर्ग नेहमीच कोणतीही स्पर्धा असो यशस्वी करण्यासाठी प्रेक्षक असणे गरजेचं असतं। तर यूट्यूबच्या माध्यमातून काही प्रेक्षक पाहत आहे या सामना। यावेळी मात्र चेंडू यॉर्कर पद्धतीने चेंडू अतिशय सुरेख असा फटका होता, पण अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळत आहे या मैदानावर करंगोलच्या संघाच्या खेळाडूच्या माध्यमातून। काय खेळ चालला आहे, प्रत्येक खेळाडू अतिशय सुरेख खेळ दाखवताना या मैदानावर। तुळील संघाचे खेळाडू या सामन्याला पाहताना आपण पाहतोय की याच्या नंतर होणारा सामना विजयी संघाबरोबर होईल या सामन्याचा। अतिशय यावेळी मात्र झटका फसतोय आणि फलंदाज बाद होतोय। घडी बाद केल्यानंतर थोडस दर्पण आलेलं आहे लाडवळीच्या संघावर। अतिशय सुरेख अशी गोलंदी, अप्रतिम गोलंदाजी करताना करंट गोलची ये गोलंदाज। पुन्हा एकदा सज्जोता शॉटपीट पद्धत चेंडू, यावेळी मात्र चला चटवतोय ऑन साईडच्या दिशेने चेंडू सरळ झालाय फाईल लेगच्या दिशेने 4 धावा। तिरेचाळीस धावांची गरज, चेंडू शिल्लक आहेत 14 चेंडू, 14 चेंडू आणि 43 धावांची गरज। सामना रंगतदार होते। प्रेक्षकांनी प्रेक्षकांनी खूप गर्दी केली। चाहू बाजूला फक्त प्रेक्षक, प्रेक्षक आणि प्रेक्षक आपण पाहू शकतो। शादाब याच्या अगोदरच्या सामने मधला सामनावीर नॉन स्ट्राइकवर आहे। यावेळी मात्र फुलटॉस पद्धतीने चेंडू वेगाने टाकलेला चेंडू होता। एक धाव मिळणार आहे आणि एका धावर जर समाधान मानलं, एक धावसंख्येत धावसंख्येत वाढ होतोय। धावसंख्येत 23 जिंकण्यासाठी 42 धावांची गरज, 13 चेंडू 42 धावांची गरज। सामन्याचं समीकरण प्रत्येक चेंडूवर बदलताना आपण पाहतोय आणि करंगोलचा संघ आणि लाडवळीचा संघ झुंजताना आपण पाहतोय। हा सामना जिंकण्यासाठी जिद्दीने उतरला आहे लाडवळीचा संघ। त्यांच्यामध्ये गुणवत्ता आहे, नौका संघ जरूर आहे पण त्यांच्यामध्ये गुणवत्ता नक्कीच आहे। यावेळी फुलटॉस पद्धतीने चेंडू त्याला अनुसाईडच्या दिशेने गेला, एकच धाव त्यांना मिळणार। एक धाव जर समाधान मानलं, दुसरी धाव घ्यायची आहे पण त्याला परत पाठवतोय त्याचा शादाब, शादाब नावाचा खेळाडू परत पाठवतोय। एकच धाव मिळणार, एक धावसंख्या, धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या होणार आहे ती 24। आता जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणि 41 धावांची गरज, 20.5 ची सरासरी। लाडवळी रिक्वायर्ड 41 रन इन 12 बॉल्स। दिस मॅच इज गोइंग टू बी व्हेरी इंटरेस्टेड। लेट्स सी व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन
in the last 12 ball. We are waiting to for the schedule because of the winners of this match will play with Thuril team. Meantime, the ball passes umpire. It's a very good delivery. Quick and fast, furious from the current goal baller. The ballers are maintained good line and length. It's a wonderful cricket from current goal team. Now they required 41 runs in 11 ball. Meantime, the ball is passing umpire. Ball to Nasir. Ball to this batsman. Shadab, he tried to play it. A big shot, but couldn't get any success. Ball went to the wicket keeper. What a fielding. They are doing very good fielding. They batted well. They are doing a good job in bowling department. Also, the fielder are supporting them. It's a good cricket playing by Karan Skol team. At this time, Karan Skol is on top. Meantime, it's a very good slow delivery and he deceived the bowler with the pace and batsman is out. Shadab is out. Of Karan Skol, they are maintaining good line and length and they're not allowing any bowler batsman to go after their bowling. What a great performance from Karan Skol team. All the players are playing according to their potential. Meantime, the baller passes umpire. The batsman played it towards the extra cover region. Batsman crossed for one and they have to settle for one. With the help of this single, score moves up to 25. They required 40 runs in 8 ball, 8 gende 40 run banana bahut hi mushkil nazar aata hua. Yahan par ek mushkilat badhti hui Ladwali ki team ki sara sahara uske Karan Skol ke khiladiyon ko jata hua behtareen khel pesh kiya. Is beech daudna shuru kiya, umpire ko par kiya, full toss gend aur yahan par gend ko swing kiya hai, gend boy ne par kaki 4 run. स्कोर 29 रन, 7 गेंदे 36 रन. बहुत ही मुश्किल काम नजर आता हुआ. इस बीच गेंदबाज ने दौड़ना चुके अंपायर को पार किया और बहुत ही बेहतरीन यहां पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारे लेकर बाइनर पार कर की 4 रन. मैं आपको बताऊं, इससे पहले अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग हुआ था, उसमें सुपर ओवर में सुनील नारायण की 6 गेंदों में 32 रन बनाए थे एंड्रे रसेल. कौन बनेगा इस मैच का एंड्रे रसेल, आने वाला वक्त ही बताएगा. इस बीच ऊंचा खेले हैं, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई, लेकिन वहां पर फील्डर ने अच्छा कैच. अब 5 गेंद और 32 रन. यहाँ पर इस मुकाबले में पूरी तरह से छाई हुई करण गोल की टीम. गेंदबाज फिर से डमरुन की जानिब से दौड़ना शुरू किया. अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की गेंद, जिसको कारपेट के सहारे गेंद ट्रैवल करती हुई फील्डर के पास, जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते आसानी से 2 रन हासिल किए. रन आउट होने का खतरा और आउट.